हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दो वीडियो हम आज की डेट में बना चुके हैं, दोनों वीडियो को जाके देख लीजिएगा, जहाँ पर अडानी पावर विल्मार से रिलेटेड बातें करी है और यहाँ पर निफ्टी के प्रेडिक्शन कल के रिलेटेड और यहाँ पर मेटल निफ्टी मेटल से रिलेटेड हमने बातें करी है। तो जाके वीडियो को देखिए, काफी सारी चीजें यहाँ पर सीखने को आपको मिलेगी। और इस वीडियो में आपने थंबनेल में देखा है, ओके, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे जो कि एक क्वार्टर या दो क्वार्टर में, मतलब विद इन 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अंदर भागना शुरू करेंगे और अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। ओके, तो इन शेयरों पे आपको नजरें रखनी है, पैनी नजर बना के रखनी है, वॉच लिस्ट में रखना है ताकि आप उसे देख सके। एक लेवल दूंगा, अगर उन लेवल से यहाँ पर भागा, जब हम चार्ट पे बात करेंगे उन लेवल से भागा तो अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन्वेस्ट फॉरएवर, जो कि आपका चैनल है, बेल आइकन पे हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस मिलते रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं अवंती फीड से। देखिए, ये वो स्टॉक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को, ओके, यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात करूं, करोड़पति बनाया है। 50,000 रुपए को यहाँ पर 1 करोड़ में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से लेके 13 तक, लगभग 6-7 साल तक कुछ रिटर्न नहीं दिए, बट जैसे ही भागना शुरू किया तो वही रिटर्न 3 साल में दे दिए, तो यहाँ पर करोड़पति बना दिया है। अगर किसी ने यहाँ पर 2005 में लिया होगा तो वो 2017 में 12 साल में करोड़पति होता हुआ नजर आया होगा। तो ऐसे स्टॉक्स जब चलते हैं तो मल्टीबैगर रिटर्न देके जाती है। ROC ROE बेहतरीन है, डेट फ्री कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, काफी बेहतरीन कंपनी है। काम क्या करती है वो आपको बता ही रखा है, काफी बार वीडियोस बनाई है इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई हुई है। सेल्स की बात करें, कंपनी की जो सेल्स है इस बार की, वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छी खासी है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों पे यहाँ पर अच्छा खासा आया है। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी अच्छा आया है। तो यहाँ पर जब मार्जिन अच्छा आ रहा है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि, और इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सब चीज अच्छी आ रही है, तो चीजों को भागना है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो आपके पैसे इन्हीं बेसिस पे आपके बनते हुए नजर आएंगे। क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे ऐसे ही पैसे आप कमाते रहेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे से कमा के ऊपर बेचेंगे तो अच्छा पैसा आप स्विंग ट्रेड में भी कमाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे हैं तो कंपनी को ऑब्वियसली बात है शेयर को यहाँ पर भागना ही होगा। और अगली बार के भी रिजल्ट की बात करें तो लगभग यहाँ पर 9 से 7 से 9 के बीच में तो आने ही वाले हैं, तो यहाँ पर अगली बार के भी रिजल्ट आएंगे और उसके अगली बार के भी रिजल्ट आएंगे, तो यहाँ पर 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट लगातार अच्छे खासे आएंगे। तो एक इसलिए मैंने कहा एक क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, लगभग एक क्वार्टर का दूसरा क्वार्टर में भागना शुरू करे या तीसरे में भागना शुरू करे, तो इसलिए आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी अच्छी है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ करोड़पति बना है। प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, FIs ने थोड़ा सा माल बेचा है, वही माल FIs ने खरीद, DIs ने खरीद लिया, और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास एज इट इज शेयर बचे हुए हैं। तो अवंती फीड्स की बात करें, अवंती फीड्स एक बेहतरीन सपोर्ट में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन सपोर्ट पर, और यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल भी सिखा रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ तक जब तक है तब तक ठीक है, ओके, और जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है, इन्वर्टेड हैमर जब बनता है, तो आपको बताई है कि यहाँ पर एक तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, तो तेजी आई तो शायद इधर तक जाके चीजें नीचे आ सकती है और इसे क्रॉस करना जरूरी है। तो ये शॉर्ट टर्म की बातें मैं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ रिजल्ट अच्छे और 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ रही है, जैसे कि मैंने आपको समझाई है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, की 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट पिछले फीके थे, अब क्या के रिजल्ट अच्छे आएंगे, एक्सपेंसेस वगैरह की वजह से यहाँ पर कम होते हुए नजर आएंगे, चीजें भागेगी। यहाँ पर देखेंगे तो सीधे के सीधे यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न बन रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी, और इस बार जब भी ये शेयर भागेंगे तो ऐसा नहीं है कि 10%, 20%, 30%, तो शायद एक साल अगर ये शेयर भागते रहे तो आपको अच्छे खासे 100-100% के भी रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक ये सपोर्ट, दूसरे सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर एक सपोर्ट ये भी नजर आता है, ओके, इस इनकी तरफ आपको क्या देना है, ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर एक कैंडल बन रही है, ओके, यहाँ पर देखिए एक टेक्निकल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जब भी इस तरीके की एक कैंडल बने, कोई भी रंग की हो, ग्रीन हो या रेड हो, और उसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स बने, याद रखिए उसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर ही बन रही है, इसी कैंडल के अंदर यहाँ बनी, तो कम से कम 6-7 कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ओके, 7 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर हुए है, और अगर इस लेवल को ये क्रॉस करती है, याद रखिए इस लेवल को क्रॉस करती है, तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो यहाँ तक होती हुई दिखाई दे सकती है। बट अगर गिरावट हुई, यहाँ से नीचे गिरा था, याद रखिए गिरावट भी हो सकती है, तो आपको दोनों तरीके से यहाँ पर तैयार रहना है। अब मैंने आपको एक टेक्निकल भी समझा दिया और किस बेसिस पे शेयर लिया है वो भी बता दिया। इसके अलावा एक शेयर की और बात करेंगे, ओके, मैं आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो कि आपको
रिटर्न इसी क्वार्टर में दे अगले क्वार्टर में गिरते हुए नजर आए। तो यहाँ पर एसपी अपेरल्स, यहाँ पर बात करें पीई अभी भी सस्ता है, अच्छे खासे यहाँ पर आरओसी आरओई है, लगभग डेट फ्री तो नहीं कहेंगे, 33% का डेट है, बट कंपनी के इस बार के रिजल्ट काफी बेहतरीन है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे। कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा है और कंपनी लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है, एफआईज ने बढ़ाई है, डीआईज ने यहाँ पर, बाकी सब कुछ एज इट इज नजर आता है। तो एसपी अपेरल्स बताने के पीछे का रीजन क्या है कि एसपी अपेरल्स में यहाँ पर जैसे कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, ओके, और यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर आप लेने की एक बार कोशिश कर सकते हो। और जब यहाँ पर चीजें इस लेवल को क्रॉस करेंगी, 405 को क्रॉस करेगी, तो याद रखिए एक तेजी होगी जो इस शेयर को यहाँ पर लेते हुए जा सकती है, क्योंकि अभी ये स्टॉक गिरावट में नहीं है, ये स्टॉक अभी तेजी में है। याद रखिए ये अब हायर हाइज बना रहा है, ओके, और ये लोअर हाइज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी ये स्टॉक तेजी में है, जैसे दूसरे स्टॉक गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, अभी ये यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में है, तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है। जैसे ये इस लेवल को निकालेगा तो एक अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आएगी, एसपी अपेरल्स की तरफ ध्यान देना है, ओके। बट याद रखिए अगले क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े फीके आ सकते हैं, क्योंकि अगली बार की मार्जिन ज्यादा था और कॉटन की प्राइस बढ़े है, तो यहाँ पर एक्सपेंसिस की वजह से चीजें नीचे आ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे शेयर की जिसका नाम है गल्फ ऑयल। गल्फ ऑयल से रिलेटेड काफी बार वीडियो बनाई है, उसी रेंज के आसपास यहाँ पर घूमता हुआ नजर आता है। पी रेशो 9 का है, आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है, 37% का डेट है, ओके, और कंपनी की अगर बात करें लगभग नेट डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 14% का यहाँ पर आपका मार्जिन आया, जो कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेट एक बार देख लेते हैं, कंसोलिडेट यहाँ पर नहीं है, कोई नहीं। कंपनी का ये जो नेट प्रॉफिट आया है वो अगर बात करें इस साल को छोड़ दे तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर दिखा रहा है। कंपनी के अगली बार के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10% है, तो एक दो क्वार्टर लगातार शायद ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और जिस तरीके से अब यहाँ पर ऑयल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, वो काफी सारी चीजों से रिलेटेड, तो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स आ सकते हैं। याद रखिएगा अच्छे खासा है शेयर यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर रिटर्न देते हुए नजर आए। रिजर्व अच्छे खासे है, बायबैक अभी हुआ है, कंपनी लगभग डेट फ्री है, कंपनी का कैश अच्छा खासा है। और एक चीज देखिए कंपनी के प्रमोटर्स ने यहाँ पर लगभग 16.21% के यहाँ पर शेयर बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़ती हुई नजर आई है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओके। तो यहाँ पर हम गल्फ ऑयल की बात कर रहे हैं, गल्फ ऑयल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है, ओके, मुझे नहीं लगता अब यहाँ से ज्यादा गिरावट होगी। ये शेयर बस कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, अच्छा खासा ये शेयर 800 रुपए, लगभग 100% के 50% से ज्यादा ये शेयर टूट चुका है, तो अब यहाँ पर से एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर देखिए ये यही सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, यही सपोर्ट के आसपास ये शेयर है। अब यहाँ से अगर धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये नीचे आया था, ओके, पूरा राउंडिंग टॉप बना के आया था, अब शायद राउंडिंग बॉटम बना के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर 1-2 साल में यहाँ पर ऊपर की तरफ पे लेवल दिखा सकता है। सबसे पहले इसे क्रॉस किया तो ये लेवल, ओके, 470 को क्रॉस किया और ये जो लाइंस दिख रही है इसे क्रॉस किया 516 और 516 को भी क्रॉस किया तो सीधे 609, इस तरीके के यहाँ पर एक एक करके टारगेट आएंगे, तो गल्फ ऑयल की तरफ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे मैप माई इंडिया की अगर हम बात करें, कंपनी के रिजल्ट देखेंगे काफी बेहतरीन, सेल्स अच्छी खासी हुई है, नेट प्रॉफिट की बात करें वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा आया है, और मार्जिन की बात करें 44% का है, जो कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा है, ओके। अगली बार के रिजल्ट भी इसके अच्छे ही आने हैं, बेकार रिजल्ट नहीं आने हैं, ओके, तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है। बट नया शेयर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इतने ज्यादा फंडामेंटल्स है नहीं, तो लॉन्ग टर्म के व्यू से ये शेयर काफी नजर अच्छा आता है, यहाँ पर सबकी होल्डिंग अच्छी खासी यहाँ पर नजर आती है। तो मैप माई इंडिया की तरफ हम ध्यान दे देते हैं, मैप माई इंडिया अगर हम यहाँ पर देते हैं, सी इन्फो से नाम से भी जाना जाता है, इन्फो सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट यही बना हुआ है, ओके, जब तक इस सपोर्ट को ये इंटैक्ट है, एज वेल एज यहाँ पर ये शेयर इस सपोर्ट पर भी दिखाई देता है, इसके नीचे गिरा तो ये, ओके, और ऊपर की लेवल की बात करें तो ऊपर के लेवल को इसके क्रॉस करना इसे बहुत जरूरी है, इसे क्रॉस किया तो एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और लेवल यहाँ पर बता देते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसी लेवल से इसी को अगर ये इसने क्रॉस किया तो यहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये शेयर है, इसकी तरफ आपको इस तरीके से ध्यान देना है, मैप माई इंडिया। तो ज्यादा तेजी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध क्वार्टर में शायद ये इस लेवल तक या इस लेवल तक ही जाके दिखाई देगा, क्योंकि शेयर की अगर हम पी रेशो की बात करें 80 के पी पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगा है, जब तक एडजस्ट ना हो जाए तब तक एंट्री लेने की अभी बिल्कुल भी मत सोचिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, बट मैप माई इंडिया को एक क्वार्टर के लिए एटलीस्ट यहाँ पर ध्यान में रखा जा सकता है।
क्विक हील की बात करेंगे। क्विक हील एक बेहतरीन शेयर है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था ये शेयर, उसके बाद यहाँ पर 320 का लेवल दिखाया था, गिर के दोबारा 84 पे आ गया है। डेट फ्री कंपनी है और एंटीवायरस की जब फ्रॉड की बात करते हैं तो ये शेयर नजर आता है क्योंकि एंटीवायरस का काम करता है। सेल्स की बात करें 104 करोड़, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 का है। ओके, यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% का है, जो कि यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो फीक है बट क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा है, बट अगली बार का मार्जिन है 9%। तो कहीं ना कहीं अगली बार के रिजल्ट इसके अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। और जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ये प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट्स यूज होने ही है, कंपनी का अच्छा खासा ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और धीरे धीरे करके अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। बट यहाँ पर कुछ और पॉइंट की बात करें, यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स अच्छे खासे हैं, FIs भी अच्छे खासे हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये शेयर बेच रहे हो, जब तक शेयर नहीं बेच रहे प्रमोटर्स तब तक कंपनी अच्छी रहती है, याद रखिएगा। अब क्योंकि इनके यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी पे हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए इसने एक रेंज बना रखी है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं नीचे का लेवल, यहाँ पर समझिए जब तक इस लेवल को इसने इंटैक्ट कर रखा तब तक ठीक है, इसके नीचे गिरा तो यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आ सकता है। और जो यही लेवल है इसे अगर ये क्रॉस कर देता है इसके बाद दूसरा लेवल यहाँ पर आएगा। ओके, इस दूसरे लेवल को यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आता है, इसे क्रॉस कर दिया तो फिर इसके बाद यहाँ पर, और इसे क्रॉस कर दिया तो सीधे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक एक करके यहाँ पर लेवल निकालेगा, ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर सपोर्ट नजर आएगा, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। इस तरीके से ही आपको यहाँ पर गेम प्ले करना है। ऑलरेडी शेयर आधे से ज्यादा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। ओके, और लगभग आधा करेक्ट हो चुका है, रिजल्ट अगली बार के रिजल्ट आएंगे अच्छे आएंगे तो स्विंग ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी अच्छे खासे पैसे बनेंगे, कंपनी में बनते हैं पर थोड़ा सा टाइम होता है। अब बताता हूं एक बेहतरीन शेयर जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि यहां पर इस शेयर को लेना चाहिए, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। अभी बायबैक किया हुआ था, इस शेयर का काफी अच्छा बायबैक हुआ था, बताने के पीछे का रीजन क्या है, डेट फ्री कंपनी है, आरओसी आरओई खास नहीं है, 27 का पीई है, इंडस्ट्री का 28 का कहीं ना कहीं सस्ता है और 766 से करेक्ट होकर 420 पे चल रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। कंपनी के इस बार के रिजल्ट हाईएस्ट एवर सेल्स थी, कंपनी के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो हाईएस्ट एवर था, कंपनी का मार्जिन की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पर अच्छा था बट ईयरली बेसिस पे बेकार था, बट अगली बार के जब रिजल्ट आएंगे तो ऑब्वियसली बात है एक दो तीन तीन क्वार्टर तक कंपनी लगातार यहाँ पर अच्छा काम करेगी। ओके, और जब अच्छा काम करेगी अच्छा रिजल्ट आएंगे, और जिस तरीके की मैनेजमेंट की कमेंट्री थी याद रखिए अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ, एक से दो क्वार्टर तीन क्वार्टर लगातार 3 से 4 क्वार्टर भागेगा और 3 से 4 क्वार्टर में यहाँ पर 100% के रिटर्न तो एटलीस्ट मिलने के चांसेस है। तो इस चीज को याद रखिए, आपको इस शेयर की तरफ ध्यान देना, और ईपीएस भी शेयर का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। और यहाँ पर देखिए कंपनी का रिजर्व अच्छे खासे है, ओके कंपनी का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, इसका कैश भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है कंपनी के पास, स्मॉल कैप कंपनी है। और एक पॉजिटिव पॉइंट और, प्रमोटर्स के 67.59% के शेयर थे, सीधे 73.28, मतलब एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है। FIs ने थोड़ा सा बेचा, प्रमोटर्स ने खरीद लिया। ओके, पब्लिक ने थोड़ा सा, पब्लिक से यहाँ लगभग 5% शेयर गए, सीधे यहाँ पर किसने खरीद लिया, प्रमोटर्स ने खरीद लिया, और कभी डॉली खन्ना भी इसमें इन्वेस्टेड थी। तो इस शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं क्योंकि ये लोग तो आते जाते रहते हैं, तो हमें भी इसी तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक यहाँ पर देखिए ये इसका सपोर्ट है। ओके, जब तक ये इंटैक्ट है तब तक ठीक है, रिजल्ट अच्छे आए थे तो शेयर भागा था, बट रेजिस्टेंस से यहाँ पर नीचे ऊपर जाके नीचे आ गया, जब तक इसके क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर अभी मत सोचिए क्योंकि नीचे का लेवल ये देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, इस लेवल पे हम सोचेंगे खरीदने की, बट और दूसरा लेवल खरीदने का है 461 से अगर क्रॉस होता है ये, तब हम इस रेंज में आ जाएंगे और धीरे धीरे करके इस रेंज में भी आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कंपनी धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगी और कंपनी का अच्छे रिटर्न्स भी आएंगे, तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर की तरफ बात करेंगे जिसका नाम है बकरांगी। यहाँ पर देखिए माइक्रो, यहाँ पर अगर बात करें पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप कंपनी है बट पेनी स्टॉक में बात करें तो इसी का नाम आता है, डेट फ्री कंपनी है, आरओसी आरओई अच्छा है, पी स्टॉक का पी की बात करें कहीं ना कहीं काफी सस्ता नजर आता है, और शेयर यहाँ पर देखिए सेल्स अच्छी खासी है। ओके, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है और अगली बार के मार्जिन शायद इक्वली आते हुए दिखाई देंगे, कम नहीं आएंगे। ईपीएस बढ़ रहा है, कंपनी अच्छा खासा लगातार परफॉर्मेंस दे रही है। ओके, रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे है, डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है, FIs DIs दोनों ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक के पास थोड़े बहुत शेयर है और उसमें से भी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों ने अभी एंट्री ली है। तो बकरांगी की हम बात करें,
वक्रांगी अच्छा नजर आता है, ओके, अच्छे खासे सपोर्ट पे शेयर यहाँ पर दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हैं तो 28% के रिटर्न्स बनते हुए नजर आते हैं, बट यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये एक मुझे सपोर्ट नजर आता है। जब तक इस सपोर्ट पे आता है तो हम खरीदने की सोच सकते हैं, और इसके नीचे अगर गिरता है तो बेचने भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर चीजें अगर बिगड़ी तो ये 2400 रुपए तक भी आ सकता है, बट यहाँ पर एक बार बार सपोर्ट लिया तो शायद यहाँ पर ही सपोर्ट लेके चीजें ऊपर जाएगी। कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे और अगली बार, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगली बार के रिजल्ट ओके इसके अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बार के रिजल्ट तो अच्छे आई है, अगली बार के फ्लैट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इसके ध्यान दीजिए। और ये 44 का लेवल को भी टच कर सकता है, लगभग अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर अगर 44 को टच करता है तो 48% के रिटर्न मिलते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलरेडी अपने टॉप से 70 से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है, शेयर की तरफ भी ध्यान देना है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंस शेयर वैसे खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके इन वीडियो से सीखना है, समझना है कि किस तरीके से आप यहाँ पर पोजिशन ले सकते हैं क्वार्टरली एनुअली बेसिस पर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।